हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ड्रॉ करने सिखाऊंगा इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल की ये वाली फोटो का स्केच। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको सिखाऊंगा और रेफरेंस फोटो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फोटो का। अच्छे से ध्यान से फॉलो करना ट्यूटोरियल और आप बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस स्केच को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक ग्रिड ड्रॉ करनी है, जिसमें होंगी 6 रोज और 5 कॉलम्स, ठीक है, और एक स्क्वायर की साइड, एक साइड होगी 2 सेंटीमीटर की। तो टोटल आप मल्टीप्लाई वगैरह करके आप टोटल साइज निकाल सकते हो ग्रिड का। A4 साइज का पेपर है तो A4 साइज पे आप 2 सेंटीमीटर की एक साइड ले सकते हो स्क्वायर की। अगर आप A3 साइज के पेपर पे बनाओगे तो आप 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले सकते हो। इंपॉर्टेंट रोज कॉलम्स हम मार्क कर लेंगे पहले, तो वो होगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और कॉलम भी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड कॉलम में हम एक आई बनाएंगे, थर्ड कॉलम में हम नोज ड्रॉ करेंगे, फोर्थ कॉलम में हम दूसरी आई बनाएंगे, और रोज़ की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड रो में हम बनाएंगे आईब्रो और आईज़, थर्ड रो में हम नोज़ बनाएंगे, फोर्थ रो में हम मूछें बनाएंगे। आई से ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा मैं, तो सेकेंड वाले रो कॉलम में हम आई बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसके थोड़ा सा ऊपर ही गैप छोड़ के आईब्रो ड्रॉ करूँगा मैं। तो एक आई और आईब्रो की आउटलाइन ड्रॉ होगी। अब इसी तरह से दूसरी आई और आईब्रो ड्रॉ करेंगे, तो फोर्थ वाले कॉलम में हम दूसरी आई बनाएंगे। अब आईब्रो बनाऊंगा मैं। अब ड्रॉ करनी है नोज की आउटलाइन और वो बनेगा थर्ड वाले कॉलम में। तो जैसे ये वाली जो अभी हमने आउटलाइन बनाई यहाँ पे शेडिंग की, इससे पता चल रहा है कि थर्ड वाले कॉलम से थोड़ा सा बाहर जा सकता है नोज, क्योंकि यहाँ से ऐसे बनाना है। सो नोज़ की आउटलाइन भी बन गई है। अब ड्रॉ करूँगा मैं मूछों की आउटलाइन, तो नोज़ के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे मैं मूछें बनाऊँगा।
अब मूछों के साथ साथ ही लिप्स की आउटलाइन ड्रॉ करनी है। वो थोड़े से ही दिख रहे हैं हमें लिप्स, तो जैसा भी दिख रहा है आपको रेफरेंस फोटो में बिल्कुल उस तरह से ड्रॉ करना है जितना भी दिख रहा है। बस आउटलाइन लिप्स की इस तरह से ही ड्रॉ करनी है, शेडिंग के साथ हम इसको ठीक करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो फोटो में ज़्यादा डार्क नहीं है लिप्स की आउटलाइंस, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा डार्क नहीं बना रहा। अब लिप्स के नीचे जो बियर्ड बनानी है वो बना रहा हूँ। बस ऐसे ही अब ऑब्जर्व करते करते मैं पूरी बियर्ड की आउटलाइन कंप्लीट कर दूंगा, सिर्फ आउटलाइंस। अभी ये मार्किंग को मैं इरेज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ईयर्स ड्रॉ करने हैं, कैप ड्रॉ करनी है यहाँ पे। अब तो पहले ये वाला कान ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ये वाला करेंगे। अब ड्रॉ करनी है कैप। कैप की जो अब शेडो सी बन रही है उसकी भी मैं आउटलाइन ड्रॉ कर दूंगा। बस अब ऊपर भी कैप की शेप कंप्लीट कर दूंगा। बाकी इसकी शेप वगैरह यहाँ से जो ठीक करनी है वो शेडिंग के टाइम ठीक करेंगे, जब जैसे कि यहाँ पे वाइट कलर की यहाँ पे गैप छोड़ना है, यहाँ पे वाइट कलर का रखना है, तो वो सब हम शेडिंग के टाइम करेंगे। अभी जस्ट रफ आउटलाइन बनाई है मैंने कैप की। अब बस नेक ड्रॉ करनी है और टी शर्ट ड्रॉ करनी है, सो नेक की आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ। सो बस आउटलाइंस कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं बस ग्रिड लाइंस को इरेज कर दूंगा। सो गाइस, ग्रिड लाइंस इरेज कर दी मैंने और आउटलाइन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो ऑलरेडी कितना ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सेम लग रहा है ऑलरेडी। बाकी इसमें नेक्स्ट पार्ट में मैं इसमें शेडिंग करूंगा और स्केच को करेंगे कंप्लीट, बिल्कुल अच्छे से मैं इसमें शेडिंग करूंगा। तो तब तक आप आउटलाइन ड्रॉ करो और फिर नेक्स्ट पार्ट देखना शेडिंग के लिए। वीडियो को जल्दी से लाइक मार दो, बस लाइक करना आपको और कुछ नहीं करना है, और सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पर नए आए हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।